यूपी में मऊ के बड़ुआ गोदाम के पास एक मकान में एसटीएफ और पुलिस ने मिलकर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, लेकिन 4 बदमाश मौका पाकर भागने में कामयाब रहे। इस दौरान पुलिस ने मौके पर 500 पेटी अवैध शराब जब्त की, साथ ही एक तमंचा, 2 कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। वहीं पुलिस ने बताया कि पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में भेज दिया है।